दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग द्वारा विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय सोशल मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा था। विशिष्ट व्याख्यान समारोह के मुख्य अतिथि भटौली डिग्री कॉलेज के रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर बलवंत सिंह ने महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं को वर्तमान समाज के परिवेश में घटित हो रहे विषयों पर व्याख्यान दिया। मुख्य अतिथि का महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर भगवान सिंह, विभागीय प्रभारी डॉक्टर आरपी यादव सहित विभिन्न विभागों के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मां सरस्वती के साधन और आराधना को यह बतावट है कि मां सरस्वती की साधना और आराधना के बाद आप सबकी भगवती की इच्छा और मार्गदर्शन था। रोम रोम संगीत जगा दे, सात स्वरों के दीप जगा दे, रोम रोम संगीत जगा दे, सप्त स्वरों की तू महारानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, मैं जिस विषय पर आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं वो है सोशल मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा। आप राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, रक्षा अध्ययन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं। आधे घंटे आप लोग अगर गंभीरता पूर्वक मेरे साथ लेक्चर में चलेंगे, ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित करेंगे, तो आपको मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा को ये किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए बहुत खतरनाक होती हैं और वो हमारे जीवन में घुली मिली होती हैं और जिनका हमें आभास नहीं हो रहा है। आज की तारीख में मीडिया और सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके जीवन का अंग है। प्रत्येक छात्र सबके हाथ में एक मोबाइल होता है, उसकी अपनी दुनिया होती है और उस दुनिया में क्या चल रहा होता है, अगर आप किसी एक ग्रुप की दुनिया और दूसरे ग्रुप की दुनिया और तीसरे ग्रुप की दुनिया और चौथे, लगता है कि इस दुनिया के अंदर अंतर्गत अनेक दुनियाएं चल रही हैं और कभी कभी उन ग्रुप से आपका पाला नहीं पड़ता है, लेकिन आपको कभी शायद देखने को मिले तो कहें अरे ये भी चल रहा है, इस देश में ये भी चल रहा है। आतंकवादियों के अलग ग्रुप चल रहे हैं, राष्ट्रवादियों के अलग ग्रुप चल रहे हैं और तमाम विकारों से भरे लोगों के अपने अलग ग्रुप चल रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के अपने अलग ग्रुप चल रहे हैं और ये कितना प्रभावित कर रहे हैं खास तौर से देश के नागरिकों को, देश की एकता को, नौजवानों को कहां ले जाए और मीडिया क्या तथ्य है और ये किस एंगल से कौन व्यक्ति क्या लिख रहा है, इस चीज का आकलन, पूरी राष्ट्र की धाराओं को मोड़ने का काम मीडिया, सोशल मीडिया करती है, कर रही है। सत्ताओं का परिवर्तन
मीडिया के माध्यम से, मीडिया ट्रायल हुआ क्या है, उससे क्या लेना देना है, ट्रायल चल रहा है, कोई एक मुद्दा उठा लिया गया, कोई किसी अपने एंगल से बोल रहा है, ये नहीं सोचा जा रहा कि इससे हमारे राष्ट्र को कितनी क्षति पहुंच रही है या हमारे नौजवानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है। फिर भी ये डेमोक्रेसी है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा अधिकार है। आपके अंदर उठने वाले उबाल को निकालने का एक ये माध्यम है। और वक्त आता है जब किसी मुद्दे पर नौजवान देश के लोग उस पर लिखा पढ़ी दुनिया का करते हैं, फिर एक समझ आती है और वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्र के कार्यों में, समाज के कार्यों में, राष्ट्र की एकता में, समाज की एकता में हम आगे बढ़ जाते हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरीके से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। समस्त चीजों के बावजूद, इतनी छूट के बावजूद, कुछ भी बोलने की छूट के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद, मुझे फिलहाल इस बात का संतोष है और गर्व है और मैं समझता हूं आपको भी होगा कि हमारा राष्ट्र ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे महाविद्यालय में प्रत्येक विभाग जो है अपने विद्यार्थियों को अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, वर्तमान परिवेश में क्या घटित हो रहा है, उनके जीवन पर उसका क्या असर है, इसको ध्यान में रखते हुए व्याख्यान, विशिष्ट व्याख्यान का कार्यक्रम कराया जाता है। उसी कड़ी में रक्षा अध्ययन विभाग के द्वारा आज सोशल मीडिया एवं राष्ट्रीय सुरक्षा बिल्कुल ज्वलंत मुद्दा है। इस पर डॉक्टर बलवान सिंह जी, जो भटौली डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं रक्षा अध्ययन में, उनका व्याख्यान हो रहा है। और ये सोशल मीडिया किस तरह से हमें फायदेमंद है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, और किन अवस्थाओं में जाकर के वो खतरा पैदा करता है, और ख़ास तौर से जो आतंकवादी घटनाएं हैं, नक्सलवादी घटनाएं हैं, भ्रष्टाचार जनित घटनाएं हैं या समाज में विद्वेष फैलाने वाली घटनाएं हैं, उनमें किस तरीके से इसका एक नकारात्मक पक्ष देखने को मिलता है, इसमें कितनी अवेयरनेस हमको चाहिए सोसाइटी के अवेयरनेस के लिए, विद्यार्थियों के अवेयरनेस के लिए। तो इस पर यह एक व्याख्यान हुआ है जो कि इंटरेक्शन के माध्यम से, अंत अभी बच्चों का प्रश्न का भी होगा, बच्चे उस प्रश्न को उठाएंगे, जो अथॉरिटीज हैं वो उस पर जवाब भी देंगी। तो इस प्रकार से हर विभाग अपने अपने विषय से जुड़ा हुआ शिक्षा के प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट व्याख्यान आयोजित करता है, जिससे जो बच्चों को ज्ञान होगा तो वो ज्ञान अपने विकास में भी उसका प्रयोग कर सकेंगे और समाज को जागरूक करने भी कर सकेंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद।